समाज सेविका शालिनी पटेल के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मनाई गई पुण्यतिथि। आज बांदा अशोक लॉट में 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित एवं महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में पहचाने जाने वाले महामानव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 को देशवासियों ने अपना एक अमूल्य हीरा खो दिया था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली। उस दिन पूरा देश रोया था। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। शालिनी पटेल ने बताया कि आज देश के युवाओं को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखने की जरूरत है। पूरे विश्व में मिसाइल बनाकर भारत देश का डंका पूरे विश्व में बजवाया था। भारत के संविधान की रक्षा भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति रहते हुए अपना दायित्व बड़े ही बखूबी तरीके से निभाया था। देश को कभी बांटने का काम नहीं किया। मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपना भाई मानते थे। सभी देशवासियों को उनके सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। देश के लोगों को उनकी किताबें को पढ़ने की जरूरत है। आज देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नफरत को देश प्रेम की भावना में बदलने की जरूरत है। कार्यक्रम में उपस्थित शालिनी पटेल, भैरव दीन, जितेंद्र कुमार खंगार, रमाकांत तिवारी, शेर बहादुर सिंह, दिनेश कुमार सिंह, शिवानी सिंह, वैश्य राजेश कुमार गुप्ता, अशोक वर्धन कर्ण, रफत खान, केपी सिंह, कुलदीप वर्मा, श्रीराम मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप पल, संजीव गुप्ता आदि लोग सम्मिलित थे। संवाददाता सोनू राणा की रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया था। नाम शालिनी पटेल है और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज हमारे भारत देश के ग्रामीण राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित भारत के मिसाइल मैन भारत देश में विश्व का डंका बजाने वाले स्वर्गीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि थी। उनका कार्यक्रम हमने बांदा अशोक लाट में रखा था और हमने युवाओं को देशवासियों को संदेश दिया है कि उनके मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, उनके किताबों की पढ़ने की ज़रूरत है, उनके सिद्धांतों पर चलने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सभी युवा आगे आए और देश का नेतृत्व संभालें और वैज्ञानिक बने जैसे उन्होंने महान वैज्ञानिक बने हैं। यही संदेश देना चाहते हैं और लोकतंत्र संविधान को बचाना है। सभी लोग मिलकर के हम संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोकजन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।